प्रयागराज में जुम्मे की नमाज के बाद हंगामा, नमाजियों ने पुलिस के सामने किया जमकर प्रदर्शन, नुपुर शर्मा के खिलाफ की जमकर नारेबाजी, प्रयागराज में अब तक 22 उपद्रवी गिरफ्तार। सहारनपुर की जामा मस्जिद के बाहर हजारों की संख्या में जमा हुए नमाजी, नुपुर शर्मा के खिलाफ जमकर की नारेबाजी, मस्जिद की छत पर चढ़कर किया प्रदर्शन, सहारनपुर में 38 उपद्रवियों को गिरफ्तार किया। उपद्रव के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ का अफसरों को सख्त निर्देश, उपद्रवियों के खिलाफ करें कड़ी कार्रवाई, शांति भंग करने वालों को छोड़ेंगे नहीं, कानून से खिलवाड़ बर्दाश्त। प्रयागराज में हंगामे के बाद एसीएस गृह अवनीश अवस्थी ने कहा धर्मगुरुओं से प्रशासन ने अपील की थी, नए लड़कों ने माहौल खराब किया है। एसीएस होम अवनीश अवस्थी ने रिपोर्ट तलब की, जुम्मे की नमाज के बाद हुए हंगामे पर जवाब मांगा। प्रयागराज में नमाज के बाद मचे बवाल पर एडीजे जोन प्रेम प्रकाश का बड़ा बयान, सपा और एआईएमआईएम नेताओं के इशारे पर हुआ बवाल, अटाला मस्जिद के इमाम भी बवाल करवाने वालों में शामिल। जुम्मे की नमाज के बाद यूपी के कई शहरों में हुआ भारी बवाल, अलर्ट को लेकर संवेदनशील जगहों पर पर्याप्त फोर्स की तैनाती, अलग अलग जिलों से अब तक 116 गिरफ्तारी हुई। देशभर में मचे बवाल पर एसपी सांसद शफीकुर रहमान बर्क का विवादित बयान, कहा नूपुर की वजह से जंग, मुस्लिमों की कोई गलती नहीं। हिंसा के बाद ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की अपील, कोई भी इस्लाम का जानकार और मौलाना टीवी डिबेट में भाग न ले। हाथरस जिले के पुरदिल नगर कस्बे में जुम्मे की नमाज के बाद मुस्लिम समाज ने नुपुर शर्मा का पुतला फूंकने और जुलूस निकालने का किया प्रयास, पुलिस के समझाने और रोकने पर हुआ पत्थर। अंबेडकर नगर के टांडा में जुम्मा की नमाज के बाद मस्जिदों से भीड़ हटाई गई, भीड़ ने पुलिस पर किया पत्थर। कानपुर हिंसा के मास्टरमाइंड जफर हयात हाशमी का भदोही जिले से बड़ा कनेक्शन होने की आशंका, काफी समय पहले पूरा परिवार कानपुर शिफ्ट हो गया था। अलीगढ़ के कोडियागंज में जुम्मे की नमाज के बाद नमाजियों ने प्रदर्शन किया, हाथों में स्लोगन लिखे हुए पोस्टर लेकर नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग। बिजनौर से उन्माद फैलाने की कोशिश करने वाले चार उपद्रवियों को गिरफ्तार किया गया, एआईएमआईएम का जिला अध्यक्ष भड़काना चाहता था हिंसा, सोशल मीडिया पर की आपत्तिजनक टिप्पणी। सहारनपुर के देवबंद में जुम्मे की नमाज के बाद हंगामा, नुपुर शर्मा के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर निकाला गया मार्च, जमकर की गई नारेबाजी। देवबंद में विरोध मार्च कर रहे लोगों पर पुलिस ने किया लाठीचार्ज, शांति भंग करने के आरोप में कई लोगों को हिरासत में लिया गया। सहारनपुर में नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग को लेकर निकाला गया मार्च, जमकर की गई नारेबाजी, सड़क को किया गया मार्च। यूपी के फिरोजाबाद में काली पट्टी बांधकर लोगों ने पढ़ी नमाज, नुपुर शर्मा के खिलाफ किया सांकेतिक विरोध, नुपुर शर्मा को गिरफ्तार करने की मांग। लखनऊ में टीले वाली मस्जिद के बाहर हंगामा, नमाज के बाद लोगों ने की नारेबाजी, पुलिस ने खदेड़ा। यूपी के मुरादाबाद में नुपुर शर्मा के खिलाफ प्रदर्शन, जुम्मे की नमाज के बाद लोगों ने की नारेबाजी। दिल्ली के जामा मस्जिद के बाहर प्रदर्शन, जुम्मे की नमाज के बाद बीजेपी नेता नुपुर शर्मा के खिलाफ की गई नारेबाजी। दिल्ली के जामा मस्जिद के बाहर बैनर और पोस्टर लेकर प्रदर्शन, नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग पर अड़े। जामा मस्जिद के बाहर सुरक्षा के कड़े इंतजाम, भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया। कोलकाता में भी नमाजियों का प्रदर्शन, हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर उतरे, ट्रैफिक जाम से लोग परेशान। हैदराबाद में भी नुपुर शर्मा के खिलाफ प्रदर्शन, नमाज के बाद मुस्लिम युवकों ने किया विरोध प्रदर्शन। नमाज के बाद उपद्रवियों ने रांची में मंदिर तोड़ने की कोशिश की, स्थानीय लोगों का दावा मंदिर बचाने गए लोगों पर हमला किया गया, घायल हुए। रांची में मंदिर पर पथराव की कोशिश के बाद हनुमान चालीसा पाठ, सड़कों पर पड़े पत्थरों के बीच बैठक कर लिया गया पाठ। रांची में बवाल के बाद कर्फ्यू का ऐलान, मेन रोड इलाके में लगाया गया कर्फ्यू, भारी संख्या में पुलिस बल तैनात। रांची में हुए उपद्रव में फंसे बिहार सरकार के मंत्री नितिन नवीन, सुरक्षा कर्मियों ने हनुमान मंदिर से उन्हें निकाला, दर्शन के लिए गए थे मंत्री। महाराष्ट्र के सोलापुर में एआईएमआईएम का प्रदर्शन, भारी संख्या में एआईएमआईएम का समर्थक सड़कों पर उतरे, नुपुर की गिरफ्तारी की मांग की गई। गुजरात के अहमदाबाद में भी मुस्लिमों का प्रदर्शन, बच्चों ने भी हाथ में बैनर और पोस्टर लेकर विरोध किया। दो दिनों की पुलिस रिमांड पर भेजा गया कानपुर हिंसा का मुख्य साजिशकर्ता हयात जफर हाशमी, अन्य तीन आरोपियों की भी पुलिस रिमांड, कानपुर हिंसा की साजिश का सच आएगा सामने। शासन को मिली पथराव मामले में पूरी रिपोर्ट, शासन को मिली रिपोर्ट में खुलासा, पहले से नहीं थी कोई तैयारी, लापरवाही बरतने वाले पुलिस अधिकारियों कर्मियों पर कार्रवाई तय। कानपुर शहर में लगाई गई धारा 144 जेसीपी, कानून व्यवस्था ने धारा 144 लगाने का आदेश दिया, शहर में 31 जुलाई तक धारा 144 लागू रहेगी। कानपुर हिंसा के बाद यूपी के 13 जिलों में प्रशासन अलर्ट, हिंदू और मुस्लिम आबादी वाले जिलों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सोशल मीडिया को लेकर भी निगरानी बरतने के निर्देश, भड़काऊ पोस्ट पर पुलिस और प्रशासन की पैनी नजर। यूपी के झांसी में भी जुम्मे की नमाज को लेकर अलर्ट, शहर के डीएम और एसएसपी ने किया फ्लैग मार्च, धार्मिक स्थलों की सुरक्षा का जायजा लिया। झांसी में दंगा रोकने के लिए पुलिस ने किया मॉक ड्रिल, बेकाबू हालात पर नियंत्रण करने के लिए अलग अलग टीम बनाकर अभ्यास किया गया।
यूपी के बिजनौर में भी जुम्मे की नमाज को लेकर अलर्ट, एसपी ने पुलिस बल के साथ निकाला पैदल मार्च। रामपुर में भी जुम्मे की नमाज को लेकर पुलिस अलर्ट है, पैरामिलिट्री के साथ पुलिस ने फ्लैग मार्च किया। गोरखपुर से यूपी के 8 जिलों को मिला बीजेपी का नया कार्यालय, जेपी नड्डा ने कार्यालय का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में सीएम योगी का संबोधन, 2014 में देश के भाग्य को बदला गया, जनता ने पीएम मोदी पर विश्वास जताया, पीएम मोदी के नेतृत्व में अच्छी सरकार बनाई। सीएम योगी बोले 2014 के बाद देश में नया परिवर्तन हुआ है, हर एक स्तर पर योजनाओं को स्वीकार किया गया, हर योजना को बिना किसी भेदभाव के पहुंचाया। सीएम योगी ने कहा 2017 में यूपी में बीजेपी की सरकार बनी है, पीएम मोदी के विजन को आगे बढ़ाया गया, पीएम मोदी के नेतृत्व में यूपी में तेजी से विकास हुआ। सीएम योगी बोले पूरे पूर्वांचल के हर जिले में मेडिकल कॉलेज पर काम, सामूहिक विवाह से योजना से 2 लाख गरीब परिवार को मदद, नौजवानों को डिजिटली फिट रखने पर भी ध्यान। कार्यक्रम में जेपी नड्डा का संबोधन, गोरखपुर जैसे क्रांति भूमि को नमन, डिजिटली 6 अन्य कार्यालयों का उद्घाटन किया गया। जेपी नड्डा बोले बीजेपी के 230 कार्यालय बनकर तैयार, यूपी में बीजेपी के 69 कार्यालय खुले हैं, बीजेपी कार्यालय ऊर्जा का केंद्र, हमेशा खुला रहता है बीजेपी का कार्यकाल। सीएम योगी ने गोरखनाथ मंदिर में लगाया जनता दरबार, सीएम योगी ने जनता दरबार में लोगों की समस्याएं सुनी। वाराणसी में ज्ञानवापी परिसर में शिवलिंग मामले पर हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने फैसला रखा सुरक्षित, आयोग और समिति बनाने वाली जनहित याचिका पर हुई सुनवाई, याचिका पर हाईकोर्ट 13 जून को सुनाएगा फैसला। काशी विश्वनाथ मंदिर में सोना लगाने का काम हुआ पूरा, मंदिर के गर्भगृह और बाहर की दीवारों पर लगा 60 किलो सोना, लगाई गई एक्रिलिक शीट। हरिद्वार की निर्मला छावनी में निर्मल चिकित्सालय का उद्घाटन किया गया। कार्यक्रम में बीजेपी सांसद रमेश पोखरियाल निशंक, सांसद साक्षी महाराज, उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी और कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल मौजूद रहे। ग्रेटर नोएडा में मोबाइल शॉप्स में चोरी करने वाले गिरोह के 4 आरोपी अरेस्ट, चारों के पास 112 मोबाइल फोन बरामद हुए हैं। अयोध्या में बीजेपी के नवनिर्वाचित कार्यालय का उद्घाटन, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कार्यकर्ताओं से कहा जो बूथ हम विधानसभा चुनाव में हार गए थे उस बूथ को जीतने का लक्ष्य लेकर चलिए। बागपत में जिला अस्पताल में निरीक्षण के दौरान भड़के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना, निरीक्षण के दौरान अस्पताल में उपलब्ध नहीं मिली थी मरीज को लिखी गई दवा, चिकित्सक के खिलाफ कार्रवाई के दिए निर्देश। गाजीपुर में गंगा में नहाते वक्त एक ही परिवार के 4 गंगा में डूबे, मोहम्मदाबाद कोतवाली के सेमरा गंगा घाट का मामला, डीएमएसपी मौके पर पहुंचे। जौनपुर में बदमाशों से मुठभेड़ में 2 बदमाश गिरफ्तार, 1 बदमाश मौके से फरार, 1 बदमाश को पैर में, दूसरे के पेट में लगी गोली। शाहजहांपुर में पुलिस का मानवीय चेहरा आया सामने, यहां 1 दर्जन से ज्यादा झोपड़ी में आग लगने पर पुलिसकर्मियों ने आग बुझने के बाद पीड़ितों को राशन मुहैया कराया। अवैध अतिक्रमण के खिलाफ ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की कार्रवाई जारी, ग्रेनो प्राधिकरण ने सैनी गांव में 4700 वर्ग मीटर जमीन कराई खाली, बाउंड्री बनाकर जमीन कब्जाने की कोशिश की जा रही थी। उन्नाव में उन्नाव बंदी के पोस्टर वायरल होने के बाद अलर्ट मोड पर पुलिस, जुमे की नमाज से पहले पुलिस की बड़ी तैयारी, एडिशनल एसपी शशि शेखर सिंह ने फोर्स के साथ किया फ्लैग मार्च। गठबंधन टूटने की खबरों को ओम प्रकाश राजभर ने किया खारिज, कहा आजमगढ़ उपचुनाव में सपा प्रत्याशी को जिताएगी सभा, गठबंधन टूटने की फैलाई जा रही अफवाह। कानपुर में समाजवादी पार्टी विधायक अमिताभ वाजपेयी की बड़ी मुश्किलें, सपा विधायक के खिलाफ 1.2 करोड़ की आरसी जारी, डीएम कोर्ट ने विधायक के खिलाफ जारी की आरसी। 2 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया कानपुर हिंसा का मुख्य साजिश करता है अजफर हाशमी, अन्य 3 आरोपियों भी पुलिस की रिमांड पर लिया गया। कानपुर में सांसद ईटी मोहम्मद बशीर को पुलिस ने रोका, कानपुर सेंट्रल स्टेशन पर पुलिस ने रोका। बलिया में फेसबुक पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाला युवा गिरफ्तार, पुलिस ने कई धाराओं में दर्ज किया मुकदमा। कानपुर में पान मसाला कारोबारी पर आयकर का शिकंजा, 5 दिन की पड़ताल के बाद बड़ा खुलासा, मुंबई या बेंगलुरु की संपत्ति का नहीं दिखा पाए दस्तावेज। वाराणसी शहर में लगा भीषण जाम, रोडवेज बस कर्मियों ने किया विरोध, डग्गावार वाहन मालिकों से हुई थी बहस, आक्रोशित रोडवेज कर्मियों ने लगाया जाम। मुरादाबाद में कैबिनेट मंत्री की मीटिंग में हंगामा, बहस के दौरान बीजेपी के लोग आपस में भिड़े। आगरा में दहशत फैलाने के लिए हथियारों का प्रदर्शन, युवक ने खुलेआम बंदूक से की फायरिंग का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। एटा में पूर्व सपा विधायक को 14 दिन की जेल, कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा, कल रामेश्वर सिंह यादव को पुलिस ने अरेस्ट किया था। कानपुर स्टेशन में एक महिला ने 4 महीने की मासूम बच्ची का चाकू से गला रेतकर कूड़ेदान में फेंका, यात्रियों की सूचना पर जीआरपी ने महिला को किया गिरफ्तार। कन्नौज में 1 साथ 3 बच्चे लापता, परिजनों और पुलिस प्रशासन में मचा हड़कंप। रायबरेली में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, पुलिस ने 3 बदमाशों को किया गिरफ्तार।
जौनपुर में दो बाइक में जोरदार भिड़ंत, सड़क हादसे में पिता पुत्र की हुई मौत। गांव में गोंडा में जमीनी विवाद में खूनी संघर्ष, चचेरे भाई को गोली मारकर किया गया घायल, मामले की जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। प्रतापगढ़ में सराफा व्यवसायी के प्रतिष्ठान में लगी भीषण आग, आग लगने के बाद सिलेंडर में हुआ भीषण विस्फोट। जालौन में नवगंतुका डीएम चांदनी सिंह ने जिला अस्पताल उरई में मारा छापा, मरीजों और अस्पताल परिसर में खड़े मरीजों की तीमारदारों से की बात। और अय्या में सड़क हादसे में चार की मौत, रोडवेज बस और इको गाड़ी की टक्कर, मृतकों में दो महिलाएं, एक पुरुष और एक बच्ची शामिल, छह लोग हुए घायल। मथुरा में आश्रम में युवती ने की आत्महत्या, फांसी लगाकर बंद कमरे में दी जान, मध्य प्रदेश की रहने वाली थी मृतका, वृंदावन पुलिस मामले की जांच की थी। उत्तराखंड में धामी सरकार का बड़ा फैसला, 1 जुलाई से उत्तराखंड में प्लास्टिक बैन, प्लास्टिक के झंडे, स्ट्रॉ, चम्मच, थर्माकोल बैन। बजट सत्र से पहले धामी कैबिनेट की हुई अहम बैठक, राज्य कैबिनेट की बैठक में कुल 23 बिंदुओं पर चर्चा हुई। उत्तराखंड में बजट सत्र से पहले गरमाया गैरसैंण का मुद्दा, गैरसैंण के मुद्दे पर सरकार से नाराज हुए राज्य आंदोलनकारी, 14 जून से शुरू हो रहा है उत्तराखंड सरकार का बजट सत्र। हॉर्स ट्रेडिंग रोकने के लिए सियासी दल पूरी तरह से अलर्ट हैं, बीजेपी और कांग्रेस ने अपने विधायकों की पुख्ता अकेले बदली की है। दिल्ली के पश्चिम विहार इलाके में बेटे के साथ मिलकर महिला ने की अपने पति की हत्या, पुलिस ने महिला और उसके बेटे को गिरफ्तार किया। दिल्ली के हमीरपुर इलाके में कालीन गोदाम के अंदर भीषण आग, कई घंटों बाद आग पर काबू पाया गया। मुंबई के बांद्रा वाली सी लिंक पर दर्दनाक सड़क हादसा, तेज रफ्तार टैक्सी ने दो लोगों को मारी टक्कर, बीच सड़क पर खड़े थे दोनों व्यक्ति। राजस्थान के कोटा में फायरिंग और चाकूबाजी का लाइव वीडियो, धामशाह मंडी के बाहर युवक पर फायरिंग के साथ चाकू से हमला किया गया। राजस्थान के झुंझुनू में भीड़ के हत्थे चढ़ा मोबाइल चोर, पिटाई का वीडियो वायरल, सरकारी अस्पताल से चुराया था मोबाइल। सोशल मीडिया पर मोबाइल फोन चोरी का वीडियो तेजी से हुआ वायरल, बिहार के बेगूसराय में चलती ट्रेन से चोर ने युवक का फोन झपटा, युवक को कुछ समझने का मौका तक नहीं मिला। मानहानि मामले में शिवसेना सांसद संजय राउत का कोर्ट का समन, 4 जुलाई को पेश होने के लिए कहा गया। मनी लॉन्ड्रिंग केस में 13 जून तक ईडी कस्टडी में रहेंगे दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन, तबियत बिगड़ने की वजह से ले जाया गया अस्पताल। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता का अरविंद केजरीवाल पर निशाना, स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को बर्खास्त करने की मांग की। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अनिल कुमार का केजरीवाल सरकार पर निशाना, अपने भ्रष्ट मंत्री सत्येंद्र जैन का बचाव करने का आरोप। गुजरात को पीएम मोदी की स्वागत, 586 करोड़ के स्टॉल प्रोजेक्ट का किया उद्घाटन। पीएम मोदी ने नवसारी में 3,050 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन किया, शिलान्यास किया, एक मेडिकल कॉलेज का भूमि पूजन भी किया गया। नवसारी में पीएम मोदी ने जनसभा को किया संबोधित, कहा गुजरात में विकास का काम जारी, हमारी सरकार सबसे लिए काम कर रही है, हमने हर वर्ग का विकास किया है। पीएम मोदी का आदिवासी समाज के लोगों ने किया ग्रैंड वेलकम, कलाकारों का पीएम मोदी ने किया अभिवादन। कर्नाटक में भी राज्यसभा चुनाव की वोटिंग हुई, सीएम व बसवराज बोम्मई ने विधानसभा में मतदान किया, जेडीएस नेता एचडी कुमार स्वामी ने डाला वोट। पूर्वी यूक्रेन में रूसी सेना के हमलों से भारी नुकसान, लुहांस के पोपासना शहर में कई रिहायशी इमारतें तबाह, ड्रोन वीडियो में दिखा तबाही का मंजर। डोनबास में चेचेन लड़ाके कर रहे हैं यूक्रेनी सैनिकों से भिड़ने की तैयारी, चेचेन लड़ाकों ने जारी किया वीडियो।